घुसना दिया हुआ है पूरा, इस तरह से नहीं आना, इस तरह से घुसना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिनी के व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ वाया शताब्दी। सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग कैब से निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो यहीं चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और ये हमारा रूम है। ये हमारा होटल का नाम है होटल सिटी हार्ट प्रीमियम। और ये रूम आपने देख लिया रूम कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक फ्रिज भी दिया हुआ है हमें, जो कि जो भी इसमें हम यूज़ करेंगे उसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। और ये है और बाकी सारी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और काफ़ी बेड भी इनका काफ़ी ठीक ठाक ही है, मतलब मुझे सही लगा। और हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाया था इसमें, तो चार्जेस वगैरह की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी कि हमें कितने का पड़ा ये रूम। और बाकी तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। तो अभी पैदल ही जाएंगे, यहाँ से भी पास में ही है, तो ये चलते हैं। और हम उसका भी आपको प्राइस बता देंगे कि स्कूटी के क्या प्राइस थे। तो चलिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्कूटी रेंट पे लेने जा रहे हैं और स्कूटी रेंट का पर डे का रेंट यहाँ पे है 500 रुपीज़। और हमने बाइक का पता किया था कि उसका रेंट है अराउंड 800 रुपीज़ फॉर वन डे। 800 रुपीज़। और हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं। इसके बाद में थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। तो जिनसे हमने स्कूटी रेंट पे लेनी है उनका नाम है, उनकी वेबसाइट है देव रेंटल्स के नाम से। और जिनसे ली है उनका नाम बलदेव है, बाकी उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इफ़ यू वांट। अगर आप लोग आए रेंट पे स्कूटी चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्राइस मुझे ठीक लगे। एक्चुअल में यहाँ से है ना लोग ले लद्दाख का ट्रिप भी मारते हैं। ओके, तो वो यहाँ से रुक के फिर शिमला से जाते हुए मतलब आगे का जो रास्ता होता है ना मनाली वगैरह साइड वो लेते हैं, तो इसलिए मतलब कि यहाँ से काफ़ी रेंटल वाले मिल जाते हैं आराम से। आपको ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली से ही आपको रेंट करना है, आप यहाँ से भी रेंट करके जा सकते हो लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए। बाकी मौसम तो यहाँ भी दिल्ली जैसा ही है, अभी गर्मी हो रही है। हाँ, काफ़ी गर्मी है, धूप अच्छी काफ़ी निकली हुई है। इनके पास बाइक्स भी अवेलेबल हैं, इनके पास एक्टिवा भी अवेलेबल है। इवन मे बी लेह लद्दाख अगर जाते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं लोग, मेटल बाइक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। सारी बाइक्स मिल जाएंगी, बाइक रेंट के नाम से अपना ही सेक्टर 17 में, और अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं बाइक और कस्टमर सारे हम मतलब अपनी फैमिली के तरह ट्रीट करते हैं। तो सारी बाइक हमारे पास नहीं है वैसे, तो किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और रास्ते में भी कई बार किसी को कस्टमर को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो भी हम अपनी हर तरह से हैंडल करते हैं। ये तो फ्रेंडली है, कोई ऐसा नहीं है कि पैसा ही कमाना सारा। हाँ, मतलब पूरी फैमिली की तरह और फ्रेंडली सबके साथ रल मिल के काम करते हैं। यही है, और सबसे बढ़िया रेट देते हैं मार्केट से। और नई बाइकें हमारे पास, सारी बाइकें नहीं है, कोई भी आपके साथ हेरा फेरी नहीं होगी। जैसे मार्केट में आजकल चलता है फ्रॉड होता है, कई बार बंदा एडवांस डाल देता है भैया बाइक नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो नहीं है। जो कमिटमेंट हमारी होगी, चाहे हमें 2 दिन बाइक खड़ी करनी पड़े, वो कस्टमर के लिए अवेलेबल रहती है। आपकी पूरी रिटर्न इंफॉर्मेशन यहाँ पर बनी जाती है आपसे, सिक्योरिटी के पेपर्स में कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लिया जाता है, प्लस आपको सिक्योरिटी जो भी इनकी रहती है वो लिया जाता है। उसके अलावा ये सारा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, सारा एफिडेविट सही से बना होता है,
तो कोई भी फ्रॉड वाला केस नहीं होता। सबसे बड़ी बात है भैया कोई धोखाधड़ी नहीं है, जैसे आजकल के टाइम में चल रहा है कहना कुछ है करना कुछ है, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जो भी है जेन्युइन है। मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी सेक्टर 17 चंडीगढ़ में आपको इनकी शॉप मिल ही जाएगी। और कभी भी आओ 24 घंटे बाकी, चलो चलते हैं और देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर बाय। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंचकुला वाया स्कूटी, और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा नादा साहिब दर्शन करने, और अभी हम मोटो व्लॉगिंग करते हुए जाएंगे और आपको यहाँ का रोड का नज़ारा दिखाते हुए जाएंगे कैसा लगता है। तो आइए चलते हैं दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब। ये है नाटा साहिब जाने का ये रास्ता है, बीच में दरिया आता है। ये बीच में है ना दरिया आता है, तुमको है ना राइट साइड से ही दिख जाएगा नाटा साहिब गुरुद्वारा। वो देखो वो रहा जाने को शायद इस तरफ से भी रास्ता है, लेकिन आप सीधा जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ जा रहे हैं रास्ता दिया हुआ है पूरा, इस तरफ से नहीं आना, इस तरफ से घुसना है अपनी लेन में। यार एक बंदर बहुत होते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर आप कुछ ले रहे हो ना, कुछ हाथ में है तो झपट्टा मार लेते हैं ये लोग। गलत तो नहीं आ गया मैं? नीचे से जाना था मेरे ख्याल से, हम गलत आ गए, नीचे से जाना था, नीचे जाना था। ये पुल बिल्कुल सुल्तानपुर लोधी जैसा लगता है। Thank you.
Yeah.